हेलो फ्रेंड, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल उड़ान द फ्लाई। और पिछली क्लास में हम लोगों ने परसेंटेज पे डिस्कशन किया हुआ था, ठीक है। पिछली दो क्लास में तो हम लोगों ने परसेंटेज का बेसिक रूल पढ़ लिया था, छोटे छोटे क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया था, और अब हम लोग धीरे धीरे स्टैंडर्ड क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं, ठीक है। तो इससे आज का क्लास शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को एक बार फिर से बता देना चाहूँगा कि आप लोग टेलीग्राम चैनल पर जाएँ और वहाँ पर सर्च कर लें अमन सर मैथ, अमन सर मैथ, ठीक। और इस चैनल को आप लोग ज्वाइन कर लीजिए, यहाँ पे हमारी फोटो वगैरह लगी हुई है, ठीक। इससे आपको क्या होगा कि आपको आने वाली सभी वीडियो के नोटिफिकेशन आपको प्राप्त होते रहेंगे, ठीक। इससे आपको जितनी भी वीडियो हमारी आएगी इनकमिंग, वो सबके बारे में आपको पता चलता रहेगा। और इससे क्या होगा कि यहाँ पर जो आप लोग ज्वाइन कर लेंगे तो आपको जो यहाँ पर क्वेश्चन जो भी चैप्टर चल रहा होता है उसका पीडीएफ मिल जाता है, प्लस यहाँ पे जो भी वीडियो बनता है इसका भी लिंक वहाँ पे आपको मिल जाता है, ठीक। और उसके बाद साथ ही साथ जो यहाँ पे सोल्यूशन करवाया जाता है क्वेश्चन का, उसका भी पीडीएफ आप लोगों को वहाँ पे मिल जाया करेगा, ठीक। तो आप लोग टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, और ठीक। तो चलिए हम लोग अपना क्वेश्चन देखते हैं, ठीक, शुरू करते हैं पढ़ना। यहाँ तक क्वेश्चन नंबर 27 तक हम लोग कर लिए थे, आज से हम लोगों को करना है क्वेश्चन नंबर 28 से। चलो आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 28 बिल्कुल इसी के जैसा था, सेम क्वेश्चन था, ठीक है। बस वहाँ पे किसकी वैल्यू पूछा था, यहाँ पे किसके बारे में पूछा गया था, ठीक। यहाँ पे पूछा था हमें C का मान, देखो यहाँ पे C की वैल्यू पूछा गया है, और लास्ट क्वेश्चन में इससे पहले वाले क्वेश्चन में सॉरी यहाँ की सी की दिया है, यहाँ पे ए की आय पूछी गई है, ठीक। और लास्ट वाले क्वेश्चन में बी की आय पूछा गया था, दोनों क्वेश्चन एक ही है, ठीक है ना। जैसे उसको लगाया गया था एकदम सेम क्वेश्चन है, तो इसको आप लोग लगा लीजिएगा, ठीक। हम लोग अब अगले क्वेश्चन पे पढ़ते हैं, ठीक है। बिल्कुल इसमें कुछ करना नहीं है, एकदम सेम क्वेश्चन है, कल जो हम लोगों ने लास्ट क्वेश्चन पढ़ा था वही है ये। देखें क्वेश्चन नंबर 29 पे हम लोग आते हैं, ये है हमारा, चलिए इसको समझते हैं। दिया चावल के मिल में 20% की वृद्धि हो गई, जिससे चावल की खपत को कितने प्रतिशत कम कर दिया जाए ताकि खर्च पर कोई प्रभाव ना पड़े। यहाँ भी देखो दो चीज़ों की बातें चलती हैं एक साथ साथ, ठीक। और यहाँ पे अगर हम बात करें तो यहाँ पे क्या क्या चल रहा है हमारा, एक चावल की मूल्य ठीक, और दूसरा चावल की खपत, खपत मतलब चावल की मात्रा को कितना कम या ज़्यादा जो भी होगा, ठीक। दूसरा खपत या मात्रा, और तीसरा क्या बात कर रहा है, खर्च की। तीसरे बात कर रहा है खर्च की, एक जगह मूल्य है, एक जगह मात्रा, एक जगह खर्च है। तो देखो मूल्य और मात्रा का गुणनफल ही क्या होता है, खर्च होता है। मूल्य और मात्रा, जैसे आपने 5 किलो गेहूं खरीदा और 1 किलो गेहूं का मूल्य अगर 5 रुपये है, तो आप 5 किलो गेहूं का मूल्य कैसे निकालो, कहोगे 5 × 5 मतलब 25 रुपये, ठीक। तो वो खर्च कैसे निकला, मूल्य और मात्रा का हम लोगों ने मल्टीप्लाई किया। देखें यहाँ पर क्या कहा है कि देखो पहले मूल्य कुछ था और मात्रा कुछ थी, खर्च कुछ था, लेकिन बाद में कहा गया है यदि चावल के मूल्य में 25% की वृद्धि हो जाए। अब अगर मूल्य इसका बढ़ जा रहा है तो चावल की खपत को मतलब चावल की मात्रा को कितना हम लोग कम कर दें ताकि खर्च पहले के जैसा ही रहे, खर्च में कोई परिवर्तन ना हो। तो देखो ऐसे क्वेश्चन के लिए हम लोग, जैसा कि बताया था हमने दो आंकड़े के लिए, हमारा हर जगह यही एक ही तरीका चलता है, कौन सा, मूल्य मात्रा और देखें इसके लिए हमारा एक ही तरीका चलता है। हमने बताया था जहाँ भी हमें प्रतिशत निकालना होता है दो के लिए, वहाँ पे हम लोग यही लगा देते हैं, 100x/100 ±x, एक ही तरीका है, ठीक है। इसी से जहाँ भी दो की बात किया जाएगा, जैसे एक को बढ़ाया गया दूसरे को घटाया गया ताकि खर्च में कोई परिवर्तन ना हो, पहले जैसा ही रहे, ठीक है ना, कितना कम या ज़्यादा कर दिया जाए, तो उस केस में हम लोग यही सूत्र लगाते हैं। यहाँ पे x आप लोगों को पता है, यही जो यहाँ पे वृद्धि या कमी की बात करता वही हमारा x होता है, ठीक है ना। पीछे वाले क्वेश्चन में भी हम लोग यही पढ़ा था। अब देखो तो हमें प्रतिशत बताना है क्या,
कितने प्रतिशत कम कर दिया जाए, ठीक है ना। प्रतिशत कमी देखो क्या हो जाएगा, 100 इंटू एक्स का मान कितना 25, और बटा 100 प्लस एक्स। देखो प्लस तब लेते हैं जब वृद्धि होती है, और माइनस तब लेते हैं जब कमी होती है। तो यहाँ पे 25% की वृद्धि हो रही तो हम लोग प्लस लेंगे, तो 100 प्लस 25 कितना 125। इसको पूरा का पूरा आप सॉल्व कर लेंगे तो ये 25 से ये 5 बार में, और 5 से ये 100 कितनी बार में, 20 बार में। तो क्या करना पड़ेगा आपको, 20% अगर आप लोग कम कर देंगे, 20% कम कर देंगे तो खर्च पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, ठीक। ये बात क्लियर है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। आगे देखें क्वेश्चन नंबर 30। अब देखो 30 नंबर में क्या कह रहा है, इसमें बोला है चावल के मूल्य में 15% की कमी हो गई, जिससे चावल की खपत को कितने प्रतिशत बढ़ा दिया जाए। देखो पिछले क्वेश्चन में कमी पूछा था, यहां पूछ रहा है कितने परसेंट बढ़ा दिया जाए कि खर्च पे कोई प्रभाव ना पड़े। तो कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, कुछ भी अलग नहीं है। इसमें भी हम लोगों को प्रतिशत वृद्धि करनी है, तो प्रतिशत क्या वृद्धि, प्रतिशत वृद्धि बराबर क्या हो जाएगा, 100x, 100 इंटू एक्स का मान कितना 15, और बटा, अब देखो यहाँ पे 15 की कमी की गई है, 15 की कमी की गई है, ठीक ना। अगर 15 की कमी की गई है तो हम लोग क्या लेंगे, 100 माइनस एक्स, मतलब 100 माइनस 15, 100 में से 15 गया कितना 85, 100 में से 15 गया कितना 85। चलिए अब इसको 5 से काट दो, 5 से ये कटेगा 3 बार में, और 5 से ये कटेगा 17 बार में, ठीक। तो ये ऊपर कितना हो गया, 100 और 3 का गुणा 300, और बटा में 17। अब इसी 300 बटे 17 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 17 का 300 में भाग दे दो, 17 एक के 17, और देखो 13, ये हो गया 130, और 17 सत्ते कितना, 17 पच्चीस 85, 119, देखो 119, ठीक। तो हमारा क्या हो जाएगा, 17 सत्ते 119, और 11 30 बटा, मतलब 17 सही 11 बटे 17%, ठीक है ना। इसी को हम लोग देखो कहाँ है, 17 11 बटे 17, ये वाला 17 सही 11 बटे 17%, ठीक है ना। तो यहाँ पे आंसर क्या आ जाएगा, 17 सही 11 बटे 17%। चलिए आगे बढ़ें, अगले क्वेश्चन को देखते हैं, देखें फटाफट करते रहें, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, कुछ करना है नहीं। सारे के सारे क्वेश्चन ये सब पेपर में आए हैं, और ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बिल्कुल आप ओरल कर सकते हो बिना कॉपी पेन उठाए। बस आपको मेथड पता होना चाहिए कि अगर क्वेश्चन हमारा ऐसा बनेगा तो हम लोग तरीका कौन सा लगाएंगे, ये वाला लगाएंगे, ठीक है ना। 100x बटा 100 प्लस माइनस x, प्रतिशत कमी या वृद्धि जो भी निकालो सूत्र यही रहेगा, ठीक है ना, एक ही सूत्र है। चीनी का भाव पहले से 10% बढ़ जाए तो बताइए, तो एक व्यक्ति कितने प्रतिशत चीनी का प्रयोग कम कर दे ताकि उसका खर्च पहले के समान रहे। अब देखो खर्च नहीं बदलना चाहिए, मूल्य मात्रा का गुणनफल, मूल्य और मात्रा दो चीजों की बात कर रहा है। अगर मूल्य बढ़ जाए तो मात्रा कितना कम कर दिया जाए ताकि खर्च पे कोई प्रभाव ना पड़े, तो हम लोग यही सूत्र लगाएंगे। प्रतिशत कमी किया है ना, प्रतिशत कमी बराबर 100x, 100 इंटू 10, और बटा में 10% बढ़ा है 110, ये देखो 10 से 10 कट गया, तो 100 बटे 11 मतलब 9 सही 1 बटे 11%, ठीक है ना, 9 सही 1 बटा 11%, ये हमारा सेकंड वाला आंसर हो जाएगा, ठीक, 9 सही 1 बटा 11%। चलिए आगे देखते हैं, सारे के सारे बिल्कुल आसान क्वेश्चन हैं। अब देखो इसको भी लगाओ फटाफट फटाफट, सब तो खुद ही कर सकते हैं यार। नए वर्ष से चाय के मूल्य में 20% की कमी हो जाने से कोई व्यक्ति उसके प्रयोग में खर्च में, उसके प्रयोग के खर्च में यहां होना चाहिए, कमी ना करके अधिक से अधिक कितने परसेंट की वृद्धि कर सकता है, ठीक है ना। तो इसके कहने का मतलब है अगर मूल्य कम हो जाएगा तो हम लोग मात्रा कितना परसेंट बढ़ा दें ताकि खर्च पे कोई प्रभाव ना पड़े, बात वही है। तो हमें प्रतिशत वृद्धि करना है, प्रतिशत वृद्धि, ठीक है ना। तो प्रतिशत वृद्धि बराबर 100 इंटू 20, और 20% की कमी हुई है मतलब 100 माइनस 20 कितना 80, ये देखो 20 चौके 80 और 4 से 100 को काट दिया कितना
आप 25% की वृद्धि कर सकते हो। देखो 25% कहाँ है, ये देखो 25% की वृद्धि कर सकते हैं, ठीक है ना, 25% की वृद्धि हो जाएगी। चलिए आगे बढ़ते हैं, सारे के सारे बिल्कुल आसान क्वेश्चन हैं, किसी क्वेश्चन में भी कोई बहुत बड़ा काम नहीं है, ठीक है। अभी देखो, वनस्पति तेल के मूल्य में 20% की वृद्धि हो जाने से कोई व्यक्ति उसकी खपत में कितने परसेंट कम कर ताकि उसका खर्च पूर्ववत रहे। बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, इसको आप लोग कर लेंगे, ठीक है ना। तो 100 × 20 / 120, तो 20 से 120 को काटोगे 6 बार में, और 100 उसको 2 से काट दोगे 50 बार में, और 6 को 2 से काटोगे 3 बार में, 50/3 मतलब 16 / 2/3%, ठीक है ना। ऐसे ही आप लोग भी ओरल कर सकते हैं सारे क्वेश्चन, कुछ भी नहीं है, सारे क्वेश्चन ओरल हो जाएंगे ये सब, इनमें कुछ करना वरना होता नहीं है, ठीक, कुछ भी नहीं है। देखो, पेट्रोल के मूल्य में 2% की कमी होने से कोई व्यक्ति उसकी खपत को कितने परसेंट बढ़ा दे, उसका खर्च अपरिवर्तित रहे। अगर खर्च पे कोई प्रभाव ना पड़ रहा हो, दो चीज़ों की बात की जा रही है, एक को कम किया गया, एक को बढ़ा देना है, ठीक, ताकि खर्च पे कोई प्रभाव ना पड़े। तो काम वही करना है, प्रतिशत वृद्धि बराबर 100 × 2% की कमी किया गया, और 100 में से 2 गया कितना, 98। अब देखो, 2 से काट दो, 2 × 8 19 और 2 × 9 = 18, 100/49। अब इसको फ्रैक्शन, अच्छा फ्रैक्शन में नहीं बदला, 100/49 हो गया, ठीक है, यही दिया है आंसर, तो आप लोग यही टिक कर लेना। 100/49 देखें यहाँ पे हमारा 100/49, ठीक है ना, तो ये आंसर हो गया। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, 35 नंबर देखें। ये देखो, एक आयत की लंबाई को 40% बढ़ा दिया गया, तो उसकी चौड़ाई को कितने परसेंट कम कर दिया जाए जिससे क्षेत्रफल पर कोई प्रभाव ना पड़े। अब देखो, ऐसे क्वेश्चन को तो हम लोगों ने अभी तक एक ही तरीका सीखा होगा, आज हम एक तरीका और बताएंगे। अभी तक आप लोगों ने एक तरीका जहाँ पे आयत वायत वर्ग वर्ग की बात करता है, आप लोग यही सीखते हैं कि ये जो प्रतिशत परिवर्तन वाला सूत्र होता है, प्रतिशत परिवर्तन बराबर आप लोगों ने सीखा होगा एक्स प्लस वाई और प्लस एक्स वाई बाई 100, ठीक है ना, ये वाला आपने सीखा होगा, ठीक है, ये सीखा है आपने, ठीक है, इससे भी हो जाएगा नो डाउट, लेकिन हमें इतना करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। क्यों? क्योंकि यहाँ भी एक लंबाई और एक चौड़ाई दो चीज़ें हैं आज में। कहा है कि अगर लंबाई को 40% बढ़ा दिया जाए तो चौड़ाई को कितना कम कर दिया जिससे क्षेत्रफल पर कोई प्रभाव ना पड़े। और आयत में होता क्या है, लंबाई गुणे चौड़ाई बराबर क्षेत्रफल, जैसे अभी हमने पीछे बताया, मूल्य गुणे मात्रा बराबर खर्च, आप यही मान सकते हो ना। यदि चीनी की मूल्य में 40% की वृद्धि हो गई तो बताइए चीनी की खपत को कितने परसेंट कम कर दिया जिससे खर्च पे कोई प्रभाव ना पड़े। तो आप लोग सीधे यही कर सकते हो, प्रतिशत कमी बताना था ना, तो आप लोग सीधे यही वाला लगा सकते हो, 100 × x मतलब कितना 40 और बाई 140, 40% बड़ा है। अब देखो, ये 0 से 0 काट दो, इसको 2 से काट दो 2 बार में, इसको 2 से काट दो 7 बार में, तो हो गया 200/7। और 200/7 का क्या मतलब, अच्छा सीधे सीधे दिया है 200/7, तो वही हमारा 200/7 आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। पहला तरीका ये है, अगर आपको लगता हो नहीं हम इसी से करेंगे तो इससे भी हो जाएगा नो डाउट, इससे भी हो जाएगा। देखो इससे कैसे होगा, देखें अगर हमें इससे लगाना हो तो कैसे होगा। देखो, कहा है कि क्षेत्रफल पर कोई प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए, तो मतलब ये जो प्रतिशत परिवर्तन फाइनली होना चाहिए वो 0 का होना चाहिए, ठीक है, कोई प्रतिशत परिवर्तन ना हो। बराबर लंबाई को 40% बढ़ाया है, चौड़ाई की बात हमसे पूछा कितना कम कर दें, ठीक है ना, प्लस 40 × y/100, बस यही हमें y का मान निकालना। ये देखो, 20 से काटो 2 बार में और 20 से काटो इसको 5 बार में, ठीक है ना, 5 बार में कटेगा, ये 8 नहीं है 5 है, ठीक, 5 बार में कट जाएगा। अब देखो यहाँ पे इस 40 को इधर लेके आओगे तो ये हो जाएगा -40 बराबर, यहाँ पे देखो y प्लस 2y/5, 5y × 5 = 7y, 7y/5 हो गया। अब जब आप y बराबर करोगे तो ये 40 × 5 = 200 और 7 का इधर गुणा इधर आके भाग हो जाएगा, तो आपका y बराबर क्या आया, -200/7। अब देखो, जब भी माइनस में आता है तो इसका मतलब कमी को दर्शाता है, इसका मतलब एक चीज़ हमें कम करना पड़ेगा, जो हमारी दूसरी चौड़ाई है उसको हमें कम करना पड़ेगा, कितना,
इतना परसेंट, 200/7%, ठीक है ना। तो यहाँ से थोड़ी सी समस्या होती है, तो इसीलिए हम कह रहे हैं अगर हम लोग पहले वाले से कर लेंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी, आराम से हो जाएगा। दो वेरिएबल के लिए वो हर जगह लग जाएगा, ठीक है ना। जहाँ एक चीज में परिवर्तन किया जाए, अगर बढ़ाया जाए, दूसरे को घटा के हमें बैलेंस करना होता है, ठीक है, ताकि फाइनली खर्च पर कोई परिवर्तन ना हो। जहां भी ये चीज आपको दिख जाएगा कि अंत में दिया हो कि कोई प्रभाव ना पड़े, वहां हर जगह उसको लगाओ, ठीक है ना। चलो आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन, 36 नंबर देखें। तो इसको देखो, किसी निश्चित दूरी को तय करने के लिए चाल को 50% बढ़ा दिया जाए तो कितने परसेंट समय की बचत होगी। अब देखो यहां भी लग जाएगा, एक चीज को बढ़ाओगे तो कितने परसेंट समय की बचत होगी, जाहिर सी बात है अब चाल बढ़ाओगे तो समय तो कम लगेगा ही लगेगा, तो कितने परसेंट समय की बचत होगी, प्रतिशत कमी, ठीक है ना, या बचत जो भी होगा, 100 × 50, ठीक है ना, upon 150। ये देखो 50 से काटा 3 बार में, और 100/3 मतलब क्या, 33 सही, 1/3%, या 100/3 ही दिया है, कोई दिक्कत नहीं है हमारा, 100/3 ही डायरेक्ट, ठीक है ना, ठीक है ना, ये हो जाएगा हमारा आंसर। ऐसे हम लोग करते हैं, जहां भी दो की बात किया होता है वहां पे हम लोग ये सूत्र लगाते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन को देखो, 30 अगला टाइप है, ठीक, देखो क्या कह रहा, एक मजदूर के वेतन को 30% बढ़ा दिया गया तो बताइए दूसरे, तो बताइए मजदूर के वेतन कितने परसेंट कम कर दिया जिससे पुराना वेतन प्राप्त हो जाए। ये तो अगले टाइप का है ही नहीं, यहाँ से टाइप हटाओ, ये तो उसी टाइप का है, सेम ही है, ये दूसरा टाइप है कहाँ। यहाँ भी देखो मजदूर और वेतन की बात कर दिया गया, ठीक है ना, यहाँ भी वेतन की बात किया गया है। यदि किसी मजदूर के वेतन को एक बार बढ़ा दिया जाए, फिर हमसे पूछा है कितना कम करना है कि ताकि जो है कोई परिवर्तन ना हो, पहले जैसा जितना पहले वेतन देते थे उतना अभी भी दें, ठीक है ना। तो उस स्थिति में भी हम लोग यही लगाते हैं, इसी सूत्र को, प्रतिशत कमी, हर जगह ये चलता है, ठीक है ना। आप क्वेश्चन की भाषा को सीख जाओ, 100 × 30 और डिवाइड बाई 130, ठीक है ना। देखो यहाँ पे हम लोग कहा है एक मजदूर के वेतन को 30% बढ़ा दिया गया, ठीक है ना, तो बताइए मजदूर के वेतन को कितने परसेंट कम कर दिया जिससे पुराना वेतन प्राप्त हो जाए। तो यहाँ से 0 से 0 काट दो, ये 300/13 हो गया। अब 13 का इसमें भाग दे लो, 13 × 26 = 30, 13 × 39 और 140/13, तो 23 सही 1/13%, ठीक है ना, 23 सही 1/13% कहाँ है। अच्छा ये 1/3, ये 1/3 नहीं रहेगा, 23 सही 1/13 रहेगा, ठीक है ना, यही हो जाएगा, 23 सही 1/13 कर लेना यहाँ पे, ये 23 सही 1/3 नहीं, 23 सही 1/13 होना चाहिए था, ठीक। चलो अब देखते हैं, सारे क्वेश्चन एकदम उसी के जैसे हैं, देखो कितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कितना ज़्यादा पेपर में आया है, ये सब कितना ज़्यादा पेपर में आया है, कितना आसान है। चावल के मूल्य में 25% की वृद्धि हो गई तो चावल की खपत को कितने किलोग्राम कम कर दिया जाए ताकि खर्च पर कोई प्रभाव ना पड़े, जबकि मूल्य में वृद्धि के पहले चावल की खपत 24 किलोग्राम थी। अब देखो यहाँ पे खपत की बात कर दिया है, हमें परसेंट में अब नहीं बताना है, अब किलोग्राम में बताना है। तो देखो पहले एक थोड़ा सा बेसिक टाइप का बता दे रहे हैं, फिर उसके बाद इसका भी डायरेक्ट ट्रिक बताएंगे आप लोग, जैसे अभी पीछे करते आए ना वैसे इसको भी उड़ा देंगे। चलिए देखें, सबसे पहले तो अगर हम देखें 25% की वृद्धि हुई है, यहाँ पे कहा है कि चावल की खपत को कितने किलोग्राम कम कर दिया जाए ताकि खर्च पर प्रभाव ना पड़े, तो हम लोग एक चीज निकालना सीख गए हैं कि कितने प्रतिशत कम कर दिया जाए ताकि खर्च पे कोई प्रभाव ना पड़े, खर्च पहले जैसा रहे, इसी बात को भी हम लोग करते आ रहे हैं। तो हम लोग पहले परसेंट में निकालते हैं फिर उसी को किलोग्राम में बदल लेते हैं, एक तरीका तो ये है। देखो पहले 25% की वृद्धि की गई तो इसकी हम लोग प्रतिशत कमी, ये जो कितने किलोग्राम कम कर दिया जाए ना, तो हम लोग निकालें कितने प्रतिशत कम कर दिया ताकि खर्च पे कोई प्रभाव ना पड़े। देखो प्रतिशत कमी निकालते हैं पहले, प्रतिशत कमी कैसे निकलेगी, 100 x का मान कितना 25 और बटा 100 + -x, वृद्धि हो रही है तो 100 + x मतलब 125। अब देखो 25 से कटा 5 बार में और 5 से 100 कटा कितनी बार में, 20 बार में, मतलब 20% की क्या हो रही है, कमी हो रही है। तो हमें बताना है कि 20% की, देखो चावल की खपत को कितने किलोग्राम कम कर दिया जाए तो हमें 20% की कमी करना है, हम लोगों ने निकाला जो कमी कितना करना है 20% की।
तो अगर 20% की कमी करना है, अगर पहले 24 किलोग्राम चावल की खपत थी तो अब उसका 20% कम कर दो। भाई पहले 24 किलोग्राम चावल की खपत थी, अब उसका 20% निकाल के माइनस कर दो तो उतना ही कम करना पड़ेगा। यह चाल जो 24 किलोग्राम है इसी को तो 20% कम करना, देख लेते हैं कितना होगा, ठीक है ना। तो कमी, मात्रा में कमी, यहाँ पे देखो हम लिख रहे हैं मात्रा में कमी। मात्रा में कमी बराबर, मात्रा पहले कितनी थी, 24 थी, अब 20% कम करना है, तो 20% मतलब 20/100, सीधे सीधे आप कर सकते हो 1/5। ये देखो 20 से कटा 5 बार में, और 5 से 24 को काट दो, 5 से 24 को काट दो तो कितना आएगा, 4.8 किलोग्राम, ठीक है ना, 4.8 किलोग्राम कम करना पड़ेगा। ये देखो 24 में 5 का भाग देंगे तो 5 चौके 20, 4 24 दशमलव लगा, 0/5 = 48, तो 4.8 किलोग्राम हमें कम करना पड़ेगा। अब देखो इसका दूसरा तरीका, बिल्कुल शॉर्ट मेथड, ठीक है, सबसे शॉर्ट इजी और फास्ट मेथड अब हम लोग देखते हैं। ये बेसिक था, अब ये देखो हमारा ट्रिक क्या कहता है, ट्रिक हमारा कह क्या रहा है कि कैसे करेंगे। देखो मात्रा में कमी, मात्रा में कमी या वृद्धि, हमें जो भी चीज बताना होगा हम लोग दोनों पे काम करेंगे एक ही साथ, ऐसा नहीं एक बार कमी वाला एक बार वृद्धि, ऐसा नहीं, दोनों एक साथ चलेंगे। मात्रा में कमी या वृद्धि क्या होता है, डब्ल्यू एक्स अपॉन 100 ± x। देखो ये है हमारा ट्रिक, डब्ल्यू एक्स, डब्ल्यू क्या है, डब्ल्यू यही खपत है, पुरानी खपत, मतलब पहले की खपत, पहले की खपत को हम लोग क्या कहेंगे, डब्ल्यू, ये डब्ल्यू है, ये जो 24 किलोग्राम है ना ये डब्ल्यू है, और एक्स क्या है, एक्स आप लोगों को पता है यही जो परसेंट कमी या वृद्धि कर दी गई है, तो आप देखो निकल जाएगा प्रतिशत, हमें कमी निकालना था ना, कमी, तो देखो मात्रा में कमी बराबर क्या हो जाएगा, डब्ल्यू, डब्ल्यू का मान कितना है 24, और गुणे एक्स का मान कितना है 25, और बटा 100 + x होगा, क्यों, क्योंकि 25% की वृद्धि मतलब 125, अब 25 से काटा इसको 5 बार में, और 5 से 24 में भाग दिया कितना, 4.8 किलोग्राम, ठीक है ना, 4.8 किलोग्राम, तो ऐसे भी क्या आया 4.8 किलोग्राम। तो इस तरीके को आप लोग सीखिए, ऐसा क्वेश्चन रहेगा सीधे सीधे लगाएं, मात्रा में कमी या वृद्धि बराबर डब्ल्यू एक्स अपॉन 100 + y, जहां पे किलोग्राम पूछा हो, जहां पे परसेंट ना पूछिए, किलोग्राम पूछा वहां पे डब्ल्यू एक्स, कुछ नहीं करना, बस यहाँ पे जो 100x था वही 100 हटा के W लगा दो, W क्या हो जाएगा, जो किलोग्राम में पुरानी मात्रा रहेगी पहले की, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब फटाफट ऐसे ही सारे क्वेश्चन को हल करना है, ठीक, बिना टाइम वेस्ट किए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन आपका दिया है, चीनी के मूल्य में 20% की कमी होगी जिससे चीनी की खपत को कितने किलोग्राम बढ़ा दिया जाता है ताकि खर्च पर कोई प्रभाव ना पड़े, जबकि मूल्य में कमी के पहले चीनी की मात्रा 18 किलोग्राम थी। देखो कमी हमें बताना है, बढ़ाना है ना, तो मात्रा में वृद्धि, ठीक है ना, मात्रा में वृद्धि, हमने वृद्धि और कमी के लिए दोनों के लिए वही सूत्र बनाया था, मात्रा में वृद्धि बराबर क्या हो जाएगा, W, W का मान कितना 18, W x, x का मान कितना 20 अपान 100 + -x, कमी हो रही है तो माइनस ले लेंगे, 100 - x मतलब कितना 80, अब 20 से इसको काटो 4 बार में, और 4 से 18 को काट दो, 4 चौके 16 = 2 = 18, और 4 5 = 20, 4.5 किलोग्राम कहाँ है, 4.5 किलोग्राम में मात्रा में कमी करनी पड़ेगी, ठीक है ना, 4.5 किलोग्राम मात्रा में कमी करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसको देखो, इससे आसान तरीका सीखने को नहीं मिलेगा, पूरी लाइफ बिता दोगे इसी में। गेहूं के मूल्य में 20% की वृद्धि हो गई जिससे किसी व्यक्ति को गेहूं की खपत को कितने किलोग्राम कम कर देना चाहिए ताकि खर्च पर कोई प्रभाव ना पड़े, जबकि मूल्य में वृद्धि से पहले गेहूं की खपत 40 किलोग्राम थी। तो कुछ नहीं करना है, डब्ल्यू एक्स, डब्ल्यू का मान कितना है 40, एक्स का मान कितना है 20% की वृद्धि, और बटा 100 + x हो जाएगा, क्यों, क्योंकि वृद्धि मतलब 120, 20 से काटा 6 बार में, और ये हो गया 20/3, 20/3 मतलब 16 सही 2/, अच्छा इसमें आंसर नहीं है क्या, 20/3, देखो 20% की तो वृद्धि की गई है, 40 किलोग्राम थी 20 की वृद्धि की गई, बटा 120, तो 20 से ये कटा 6 बार में,
और तीन छः जो है तीन से कटा दो बार में, सॉरी दो से कटा छः तीन बार में, और ये कटा 20 बार में, तो 20/3 मतलब क्या 16 सही 2/3 पर किलोग्राम। इसमें बताना क्या था, पहले इस बात को ध्यान से, खपत को कितने किलोग्राम कर देना चाहिए। अच्छा, इसमें हमें ये नहीं बताना था कितने किलोग्राम कर देना चाहिए, इसमें ये हमें बताना है कि खपत को अब कितने किलोग्राम कर दें ताकि ये काम हमारा जो कंडीशन दिया वो पूरी हो जाए। तो खपत को अब कितने किलोग्राम कर दें, इसका मतलब हमें खपत को कितना कम करना पड़ेगा। खपत को हमें 20/3 किलोग्राम कम करना है, तो 20/3 किलोग्राम जब कम कर दोगे तो जो बचेगा उतना ही किलोग्राम तो खपत उसको करना रहेगा। अब तो 40 में से 20/3 घटा दो, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पे नई खपत हमें बताना था, नई खपत ऐसा नहीं दिया था डायरेक्ट कि नई खपत क्या होगा, थोड़ा सा भाषा में ठीक है उलट फेर कर दिया था, लेकिन हम लोग बात को समझ गए। नई खपत की ही पूछा है, ये सब 20/3 आया था। देखो नई खपत ही पूछा गया, तो अगर नई खपत पूछा गया है तो क्या हो जाएगा, पहले थी 40, अब कितना कम कर देना है 20/3 कम कर, 40 3 120, 120 में से 20 में कितना 100/3, 100/3 मतलब 33 सही 1/3%, 100/3 मतलब क्या, इसी को हम लोग कहते हैं 33 सही 1/3 किलोग्राम है, सॉरी परसेंट नहीं किलोग्राम है, ठीक है ना, ये केजी है। अब खपत को इतना किलोग्राम, देखो क्वेश्चन को थोड़ी सी घुमा दिया ना, तो अभी अगर ऑप्शन दिया होता तो हम लोग तुरंत गलत टिक कर ले जाते, तो इस बात को ध्यान नहीं देते, क्वेश्चन दोबारा पढ़ते ही नहीं, इसलिए क्वेश्चन को थोड़ा सा हम लोग मतलब सावधानी पूर्वक हमें काम करना चाहिए, नहीं तो क्वेश्चन ऐसे एग्जाम में आते हुए भी क्वेश्चन गलत हो जाते हैं, समझ रहे हैं। तो इसमें हमें ये नहीं पूछा था कितने किलोग्राम कम कर देना, हमें ये पूछा था कि अब नई खपत कितने किलोग्राम कर देना है, ठीक है ना। तो हमने निकाल कम करने का तरीका पता था, 20/3 कम कर देना, तो हम लोग 20/3 कम कर देंगे तो नई खपत पता चल जाएगी, ठीक। तो कितना 33 से 1/3। अगले क्वेश्चन को देखो, देखें यहाँ पे टाइप अगला डाला है, क्या अगला टाइप है, चावल के मूल्य में 25% की वृद्धि हो गई, इसके बावजूद चावल की खपत को 20% बढ़ा दिया जाए, तो बताइए चावल के कुल खर्च में कितने परसेंट का परिवर्तन होगा। देखो यहाँ पे दो वेरिएबल की बात की जा रही है और तीसरे के बारे में हमसे पूछा गया है, ठीक, दो की बात की जा रही है और तीसरे के बारे में पूछा गया है, तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे हमारा तरीका थोड़ा सा बदल जाएगा, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पे प्रतिशत परिवर्तन की बात आ गई है। प्रतिशत परिवर्तन के लिए अभी अभी हमने सूत्र एक लिखा था, प्रतिशत परिवर्तन बराबर एक्स प्लस वाई प्लस एक्स वाई बाई 100, ठीक है ना, उससे काम यहाँ पे होता है। तो चलो इसको बेसिक से भी आप लोग लगा सकते हो, लेकिन कोई मतलब थोड़ी ना बेसिक से लगाने का, ठीक है ना, बड़ा करने का कोई मतलब नहीं है, सीधे आप प्रतिशत परिवर्तन का सूत्र समझिए। ये बराबर होता है अगर एक वेरिएबल एक्स है और दूसरा वाई है, तो होता है एक्स प्लस वाई और प्लस एक्स वाई बाई 100, इतना परसेंट, इसी पे हम लोग काम करेंगे, ठीक है ना, इसी पे सारा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। देखो यहाँ पे दिया है मूल्य में 25% की वृद्धि, इसके बाद चावल की खपत को भी बढ़ा दिया गया है, तो हमें कुल खर्च में वृद्धि बताना है। भाषा थोड़ी सी बदली है, पीछे वाले क्वेश्चन से बहुत ज्यादा अंतर नहीं, पीछे वाले क्वेश्चन में ऐसा रहता था चावल के मूल्य में 25% की वृद्धि हो गई, तो बताइए चावल की खपत को कितना कम कर दिया जाए जिससे खर्च पे कोई प्रभाव ना पड़े, ऐसा रहता था, तो हम लोग 100x/100 ± x से काम कर लेते थे। लेकिन यहाँ पे मूल्य में भी वृद्धि, कहाँ कहाँ वृद्धि, मूल्य में भी वृद्धि खपत में भी वृद्धि, तो पूरे खर्च में हमें बताना है कितना कमी या वृद्धि हो जाएगी, ठीक है ना, इस बात को समझना है। तो ऐसी जगह पे हम लोग प्रतिशत परिवर्तन वाला लगाएंगे सूत्र, ये तो देखो क्या आ जाएगा, प्रतिशत बराबर हमेशा इसमें देखो वृद्धि ही आएगी, क्यों वृद्धि आएगी, क्योंकि दोनों चीज बढ़ाया गया है, तो वृद्धि कितना हो जाएगी, देखो ये 25% की वृद्धि की गई यहाँ पे, एक्स का मान 25 और वाई का मान कितना है 20, 20% की वृद्धि की गई है, और प्लस 25 × 20/100 कर लो, इसको 20 से काट लो 5 बार में, 5 से 25 को काट लो इसको 5 बार में, और ये 20 20 40 5 45 और 5 50, मतलब 50% का क्या किया गया, वृद्धि हो जाएगा, 50% का परिवर्तन होगा पूरे खर्च में, 50% का परिवर्तन हो जाएगा, ठीक है ना, इस बात को समझते रहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ।
क्वेश्चन नंबर 42 42 नंबर देखें, कहा चीनी के मूल्य में 10% की कमी होगी जिससे चीनी की खपत को 20% बढ़ा दिया गया। देखो मूल्य में कमी और मात्रा में वृद्धि, तो चीनी के खर्च में कितने प्रतिशत की वृद्धि या कमी हुई, तो देखो प्रतिशत वृद्धि या कमी, ठीक है ना, ये देखो क्या हो जाएगा, परसेंट वृद्धि या कमी क्या हो जाएगा, 10% की कमी, जो कमी होती है उसको हम लोग माइनस में लिखते हैं और जो वृद्धि होती है उसको हम लोग प्लस में लिखते हैं, ठीक है ना, ये काम करते हैं। देखो माइनस 10 प्लस 20 और ये माइनस 10 रहेगा तो इस प्लस को माइनस कर देगा, माइनस 10 गुणे 20 बटा 100, ये देखो ये 0 0 कटा, ऊपर बचा 2, ये देखो 20 में से 10 गया कितना 10 और 10 में से 2 गया कितना 8% की क्या कमी, सॉरी 8% की क्या वृद्धि, प्लस में आया है ना, तो प्लस में आया मतलब वृद्धि, 8% की क्या हुई वृद्धि, देखो कहाँ है इसमें ना तो कम, ये 8% की वृद्धि है, ठीक है ना, 8% की वृद्धि, ये आंसर हमारा हो जाएगा, ठीक, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं, अब फटाफट देखो क्वेश्चन नंबर 43 नंबर देखें, तो देखो क्या बोला है, चीनी की मूल्य में 25% की वृद्धि होने से कोई व्यक्ति उस पर आने वाले खर्च को कितने परसेंट घटाया बढ़ा दे ताकि उसकी खपत 25% से बढ़े। अब देखो यहाँ पे जो प्रतिशत परिवर्तन होना चाहिए वो कितने का होना चाहिए, केवल 20% का, मतलब जो हम लोग प्रतिशत परिवर्तन यहाँ पे निकालते थे वो अब दे रखा है 20% से बढ़े, ठीक, 20% बराबर यक्स हमारा दे रखा है 25% की वृद्धि और वाइज हमसे पूछा है कि खर्च में कितने परसेंट कमी कर दें, ठीक है ना, तो ये हमें वाई का मान बताना है, ठीक है ना, ये वाई का मान माइनस में ही आएगा और प्लस 25 गुणे वाई बटा 100। अब देखो इस 25 से इस 100 को काटो चार बार में, ये 25 इधर घट जाएगा जाके तो माइनस 5 बचेगा बराबर, ये देखो 4y और 1y ये 5y और बटा 4, देखो ये 5 से 5 कट गया तो y बराबर हमारा क्या आ गया माइनस 4%, और माइनस 4% का क्या मतलब है, कमी, कमी, कमी क्यों दर्शा रहा है, कमी करना है, 4% क्या कर दें घटा दें, ये देखो 4% घटा दें, ठीक है ना, 4% घटा दें। चलो आगे बढ़ते हैं, अब अगले क्वेश्चन, देखो अगला क्वेश्चन 44 नंबर का देखो, देख यहां पे देखो क्या होगा, किसी वस्तु के मूल्य में 40% की कमी हो जाने से मात्रा में 20% की कमी हो जाती है तो व्यय में कितने परसेंट की कमी या वृद्धि होगी। मूल्य में 40% की कमी, मात्रा में 20% की कमी, दोनों कमी है तो हमें प्रतिशत परिवर्तन देखना है क्या हो जाएगा, ठीक है ना, कमी होगी या वृद्धि, ये 40% की कमी, ये भी ये 20% की कमी और ये क्या हो जाएगा माइनस 40 और माइनस 20, मतलब ये माइनस माइनस प्लस बन जाएगा, ये देखो 40 और गुणे 20 बटा 100, ये देखो ये डबल जीरो कट जाएगा, ये 40 और 20 60 और 4 2 8 60 में से 8 गया कितना, ये माइनस 60 रहेगा वो प्लस 8, 60 में से 8 गया कितना 52, माइनस 52%, मतलब 52% की क्या कमी, 52% की कमी कहाँ है 52, ये देखो 52% की कमी हो जाएगी, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं, इस क्वेश्चन को देखो, तो देखो क्या कह रहा, कहा किसी वस्तु के मूल्य में 50% की वृद्धि हो जाने की मात्रा में कितने परसेंट की कमी या वृद्धि हो जाए ताकि जबकि खर्च केवल 20% से बढ़े, मतलब फाइनली खर्च में कितना परिवर्तन होना चाहिए 20% का, मूल्य में 50% की वृद्धि हो रही है, हमें मात्रा की बात किया है, मात्रा के बारे में बताना है, ठीक है ना, ये 50 गुणे वाई बटा 100, आप लोग इसको सॉल्व कर लेना तो आंसर आ जाएगा, ठीक है ना, बहुत ही छोटा क्वेश्चन, ये देखो इधर यहाँ से 50 से ये 100 दो बार में कटेगा, ये 50 इधर आके घटेगा तो माइनस 30 बचेगा बराबर 2y और y 3y और बटा 2, ये 3 से इसको काटोगे तो माइनस 10 बार में और माइनस 10 और 2 का गुणा कितना y बराबर माइनस 20, माइनस 20 का मतलब क्या कमी, 20% की कमी, ठीक है ना, ये 20% की कमी हो जाएगी, ठीक। तो आज के लिए हम लोग इतना ही पढ़ते हैं, अब हम लोग मिलेंगे अगले क्लास में, ठीक है ना, तब तक के लिए जय हिंद।